हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीत रेसिपीज। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू फ्राई की सब्जी व्रत के लिए। तो अगर आपको इनमें से कोई भी चीज नहीं पसंद है या आप नहीं खाते हैं व्रत में, तो उनको स्किप कर सकते हैं वो चीजों को। तो चलिए, अगर आपको मेरी आलू फ्राई की रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरी वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू। तो चलिए अब हम अपनी आलू फ्राई की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो ऐसे मैंने एक कढ़ाई ली है जिसको मैंने थोड़ा गर्म कर लिया है और मीडियम लो पे अपना गैस को कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी सबसे पहले मूंगफली की गिरियां। थोड़ी सी मूंगफली की गिरियों को हम मीडियम आंच पे ही रखेंगे और थोड़ा भून लेंगे इसको। तो 1 से 2 मिनट में हमारे रोस्ट हो जाते हैं। ऐसे हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। सारी गिरियों को हमने इस तरीके से निकाल लेना। और कढ़ाई तो हमारी पहले से ही गर्म है, इसमें मैं डाल दूंगी 2 चम्मच देसी घी। आप 1 बड़ा चम्मच भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2 छोटे चम्मच डाले हैं। तो देसी घी भी हमारा डलते सारी गर्म हो जाएगा। उसमें अब मैं डाल दूंगी जीरा। 1/4 टीस्पून मैंने जीरा लिया है। तो जीरा अगर आप नहीं खाते हैं व्रत में तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। जीरे के साथ ही मैं डाल दूंगी हरी मिर्च। 1 हरी मिर्च को मैंने बारीक चॉप करके रखा है। तो इसके साथ ही हम डाल देंगे अपने आलू जो मैंने पहले से बॉईल करके ऐसे बड़े बड़े पीसेस में मैंने कट कर लिए हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 बड़े आलू लिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं आलू। तो इनको ऐसे ही स्टर फ्राई करना है हमने, इसको ढककर नहीं बनाना क्योंकि ये पहले से बॉयल्ड है तो ये ऑलमोस्ट बने हुए हैं। इसको सिर्फ फ्राई करना हमने हल्का सा। तो हमने इसको जीरे और हरी मिर्च के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद अपनी जो मूँगफली की गिरियों को रोस्ट किया था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और गैस की फ्लेम जो है वो तेज़ कर लेंगे और तेज़ आंच पे ही हम इसको पकाएंगे। तो इसके साथ ही मैं ऐड कर दूंगी 1/2 छोटा चम्मच सेंधा नमक। अगर आप व्रत में नमक भी नहीं खाते हैं तो नमक डालिए और ऐसे ही आलू और मूंगफली की गिरियों को देसी घी में फ्राई करके खाइए, बहुत ही टेस्टी बनती हैं। तो इसके साथ ही मैं थोड़ी सी काली मिर्च भी इसमें ऐड कर दूंगी, 1/4 टीस्पून। तो अब हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तेज़ आँच पर इसको ऐसे पकाएंगे। हमने अपने आलू को ज़्यादा नहीं ऐसे हिलाना है, स्टर ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो ये क्या है टूट सकते हैं, इसलिए हम इसको टोस्ट करेंगे। तो अपनी कढ़ाई को ऐसे हल्का हल्का सा हिला हिला के इसको टोस्ट कीजिए, तेज आंच पे करके ऐसे टोस्ट कीजिए और इस पर थोड़ी थोड़ी ब्राउन परत आनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे हमने अपने आलू को फ्राई करना है। तो देखिए हल्की हल्की गोल्डन परत आनी शुरू हो गई है। तो एक बार फिर से अच्छे से टोस्ट करेंगे और उसके बाद गैस को बंद करके इसको सर्व करने की तरफ चलते हैं। तो ऐसे मैं एक बाउल में इसको सर्व करूँगी और अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो इसको हरी मिर्च डाल के सर्व कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ऐसे आप हरी मिर्च को 2 पीसेज में कट कर लीजिए, लंबे लंबे स्लाइसेस में कट करके ऐसे इसको सर्व कीजिए हरी मिर्च के साथ। आप नवरात्रों में इसी तरह की अच्छी अच्छी डिशेज़ बना के घर पे खाइए। तो मैंने पहले भी साबूदाने की खिचड़ी की वीडियो डाली थी, तो ये आपके स्क्रीन पर आ रही है, आप इस पर क्लिक करके साबूदाना खिचड़ी की भी वीडियो देख सकते हैं। तो ऐसे हमारी टेस्टी आलू फ्राई की सब्ज़ी बन के रेडी है व्रत के लिए। और मेरी ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।